संन्यास का अनमोल रत्न पा ब्राह्मी धन्य हो गई। उनका भाग्य सितारा चमक उठा, संन्यास की दिशा में उठा। नारी का यह पहला कदम था। इस साहस भरे कदम ने महासती ब्राह्मी को इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिया था। भारतीय आदर्श नारियों में प्रथम महासती ब्राह्मी के पूर्व जन्म को जानते हैं इस वीडियो में, और जानते हैं कि कैसे और क्यों उन्हें इस भव में नारी का जन्म मिला, और कैसे इस जन्म में इस भाव में उन्हें वैराग्य के भाव जागे और सन्यास की तरफ उठा नारी का पहला कदम। जानते हैं जैन धर्म की 14 महासतियों में प्रथम महासती ब्राह्मी के जीवन की गाथा, भगवान ऋषभ की पुत्री ब्राह्मी के जीवन की गाथा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्षति प्रतिष्ठित नामक नगर में महीधर, सुबुद्धि, जीवानंद, पूर्वभद्र, शीलपुंज और केशव नाम के 6 बेस्ट फ्रेंड्स रहते थे। इनमें महीधर राजकुमार थे, सुबुद्धि मंत्री पुत्र थे, जीवानंद एक जनरल फिजिशियन यानी वैद्य पुत्र थे, पूर्वभद्र, शीलपुंज और केशव इन तीनों के पिता व्यवसाय यानी बिजनेस करके अपना घर का पालन पोषण करते थे। छहों मित्र एक दिन घूमते घूमते नगर के बाहर एक उपवन यानी गार्डन में चले गए। गार्डन इतना सुंदर था, वहां पर अशोक, कदंब, सप्तपर्ण, खादीर आदि पेड़ लगे हुए थे। चंपक, बेला, चमेली, जूही, गेंदा आदि के फूलों की भीनी भीनी खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। कोयल, कोपोत, मोर आदि की आवाजों से पूरे वातावरण में हलचल मची हुई थी। ऐसे मनोरम और लुभावने वातावरण में उन 6 दोस्तों का वक्त घंटों कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। अब सूर्यास्त का समय था, शाम होने चली थी, दिन ढलने लगा था। तो दोस्तों ने मन बनाया कि अब वापस घर की ओर चला जाए। जैसे ही वो गार्डन से बाहर निकलने लगे, उन सभी का ध्यान अचानक ही एक अशोक वृक्ष की तरफ गया। उस अशोक वृक्ष के नीचे एक मुनि ध्यान रत्न थे। उन्हें देखकर उन सभी की जिज्ञासा हुई कि उनके पास जाकर उनके दर्शन किए जाए। पर यह क्या, जैसे ही वो उस मुनि के पास गए, वे सब के सब स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि उन मुनि के शरीर की चमड़ी गल रही है, पके हुए फल की भांति उसके छिलके की तरह उनकी चमड़ी शरीर से उतर रही है, पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही है। पर मुनि बड़े ही शांत अवस्था में ध्यान मग्न है, मानो शरीर की वेदना और मुनि की समता में कोई कंपटीशन हो रहा है। मुनि के मुखमंडल से और पूरे शरीर के रोम रोम से शांति टपक रही थी। जनरल फिजिशियन के पुत्र जीवानंद ने कहा कि वो उन्हें रोग मुक्त कर सकते हैं। बस अब क्या था, सभी दोस्तों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम इन्हें रोग मुक्त करेंगे। लेकिन जीवानंद ने कहा, इन्हें रोग मुक्त होने करने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत है, लक्ष्यपाक तेल, दूसरा रत्न कंबल और तीसरा गौशीर्ष का चंदन।
इनमें लक्षपाक का तेल तो मेरे पास है, लेकिन रत्न कंबल और गोशीष का चंदन मुझे उपलब्ध कराने में तुम सबकी मदद चाहिए। पांचों मित्रों ने बड़े उत्साह से कहा, हम यह काम जरूर करेंगे, यह हमारा परम कर्तव्य है और ये सौभाग्य है हमारा कि हम एक मुनि की सेवा में काम आ रहे हैं। लेकिन जीवानंद ने उन्हें कहा कि यह काम इतना आसान नहीं, यह रत्न कंबल और गोशीष चंदन आसानी से मिलने वाली चीजें नहीं है, ये बड़ी ही दुर्लभ है और यदि ये कहीं मिल भी गई तो ये इतनी कीमती है कि कोई भी इन्हें दान देने के लिए कतराएगा। और मुनि को खरीदी हुई चीजों को लेने का, उपयोग करने का, व्यवहार में लाने का त्याग होता है, इसलिए ध्यान रहे कि ये वस्तुएं हमें सुलभ उपलब्ध हो। पांचों मित्रों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेंगे। और इस तरह जीवानंद को आश्वासन देकर पांचों मित्र नगर की तरफ निकल पड़े रत्न कंबल और गोशीष चंदन को ढूंढने के लिए। नगर के हर एक घर में वो गए, दुकान में गए, लेकिन उन्हें कहीं भी ये दोनों वस्तुएं उपलब्ध नहीं हुई, नहीं मिली। धीरे धीरे वो निराश होने लगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर से अपनी हिम्मत बटोरी और आगे बढ़ने लगे। कहते हैं ना, कोशिश करना छोड़ देना ही फेल होने का एकमात्र रास्ता है। इन पांचों दोस्तों ने अपनी कोशिश जारी रखी और अंत में उन्हें एक ऐसा दुकानदार मिल गया जिसके पास ये दोनों वस्तुएं उपलब्ध थी। उन्होंने दुकानदार से इन वस्तुओं की चाह की, मांगी। दुकानदार ने उसकी कीमत बताई। वो उस कीमत को देने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही दुकानदार को ये पता चला कि ये वस्तुएं एक मुनि को रोग मुक्त करने में काम आने वाली है, तो उस दुकानदार ने उसकी कीमत लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो जैन था और वो यह जानता था कि अगर मैं इसकी कीमत लूंगा तो वो ये वस्तुएं मुनिश्री के रोग मुक्त होने में उपयोग नहीं ले पाएंगे। पांचों दोस्त बहुत खुश हुए। कहते हैं ना, जहां मन साफ होता है, इंटेंशन, आपके भाव अच्छे होते हैं, तो वातावरण, यूनिवर्स आपकी मदद जरूर करता है। अब उस चूंकि उन मुनि की अवस्था ऐसी नहीं थी कि वो ये भिक्षा को ग्रहण कर सके, उन्हें एक और मुनि की जरूरत थी जो इन वस्तुओं को भिक्षा के रूप में ग्रहण कर सके, ताकि ये वस्तुएं उन मुनिश्री के रोग मुक्त होने में उपयोगी हो सके। पास ही के कुपाश्रय में उन्हें यह भी सहज सहयोग मिल गया और एक मुनि राजी हो गए इस कार्य को करने के लिए। वो तुरंत उन पांचों दोस्तों के साथ उस दुकानदार के पास गए और रत्न कंबल और गोशीर्ष चंदन दोनों उन्होंने भिक्षा के रूप में ग्रहण की। अब पांचों दोस्त और मुनि बिना देर किए तुरंत जीवानंद के पास पहुंचे। जीवानंद ने भी एक मिनट गवाए बिना ही तुरंत लक्षपाक तेल उन मुनिश्री रोग मुक्त, जो रोग में पीड़ित मुनि थे, उन्हें लगाया और उसके ऊपर उन्हें रत्न कंबल ओढ़ा दिया। तेल की गर्मी से लेप्रोसी के जो बैक्टीरिया थे वो निकलकर रत्न कंबल में चिपकने लगे। कुछ देर बाद जब काफी बैक्टीरिया निकल गए, तो बड़ी ही सावधानी से जीवानंद ने उन सारे बैक्टीरिया को उस कंबल से अलग किया झाड़कर। इस तरह और उसके बाद इस तेल की गर्मी को कम करने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर गौशीर्ष चंदन का लेप किया। इस प्रक्रिया से मुनिश्री को शरीर में दर्द में, तकलीफ में बहुत आराम मिला। यही प्रक्रिया दूसरे दिन और तीसरे दिन दोहराई गई और उसका परिणाम यह हुआ कि तीन दिन में ही मुनिश्री पूर्ण स्वस्थ महसूस करने लगे। उनका शरीर
कुंदन की भांति चमकने लगा। स्वस्थ होते ही मुनिश्री ने उन छह दोस्तों को उपदेश दिया। मुनिश्री की सौम्य मुखमंडल और मधुर वाणी ने उन सभी के दिलों में मुनिश्री के लिए एक अतिरिक्त जगह बना ली थी। मुनिश्री के आभा मंडल से वो आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकी। अब उनका नित्य क्रम बन गया। हर रोज वो मुनिश्री के पास आते और जीवन के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते। वार्तालाप यानी बातचीत करते करते एक दिन सहज ही यह विषय निकल पड़ा कि मुनिश्री की साधना रत जीवन के विषय में उन सभी को जानने की इच्छा हुई। इसी प्रसंग में मुनिश्री ने उन्हें बताया कि वे तुलकपुर पति महाराज पृथ्वीपाल के पुत्र गुणाकर हैं और सांसारिक संबंधों की क्षणभंगुरता को देखकर उन्होंने मुनिश्री की दीक्षा ग्रहण की, मुनि जीवन को वरण किया और मुनि बनते ही उन्होंने उग्र तपस्या प्रारंभ की। तपस्या के पारणे में भी वो नीरस और रूखा सूखा भोजन लेने लगे। लंबे समय तक यह क्रम चलता रहा और इसी क्रम के कारण, इसी तरह रूखा भोजन करते रहने के कारण उनके शरीर में रक्त विकार हो गया। अपने आप को रोग मुक्त करने के लिए उन्होंने विभिन्न औषधियों यानी मेडिसिन्स का प्रयोग किया, लेकिन उनमें से एक भी औषधि उनके शरीर पर उन्हें रोग मुक्त करने के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुई, बल्कि वो सब यज्ञ में घी का काम करने लगी, उनकी बीमारी को और बढ़ाने लगी और धीरे धीरे उन्हें तीव्र उग्र कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी हो गई। जब अपने शरीर को तप के लिए असक्षम पाया तब उन्होंने ध्यान रत्न होना अच्छा समझा और वे दीर्घकालीन ध्यान में मग्न हो गए। इसी पेड़ अशोक पेड़ के नीचे लंबे समय तक ध्यान रत्न होने के कारण उनके असातवेदनीय कर्म का क्षय हुआ और सेवा भावी मुनि और इन छह दोस्तों की मदद से वे रोग मुक्त हुए। मुनिश्री ने कहा कि जिस तरह उनके शारीरिक स्वस्थता में ये छह दोस्त निमित्त बने हैं, अब वे भी उनके आंतरिक स्वस्थता की निमित्त बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे जीवन की आंतरिक स्वस्थता में निमित्त बनना चाहता हूँ। उनके ये शब्द जैसे ही उन छह दोस्तों के कानों में पड़े, वे सभी भीतर से आंदोलित हो गए। बार बार उनके कानों में यही शब्द गूंजने लगे और धीरे धीरे उनमें वैराग्य की भावना जागने लगी और बहुत ही जल्द उन्होंने मुनिश्री के सामने अपनी ये इच्छा जताई। वैराग्य की प्रबल भावना देखते हुए मुनिश्री ने उन्हें दीक्षा दी और वे तप, ध्यान और साधना से अपने जीवन का कल्याण करने लगे। मनुष्य जीवन का आयुष्य पूरा कर वे 12वें देवलोक में चले गए। देव आयुष्य को पूर्ण कर वे सभी छह मित्र महाविदेह के पुष्कलावती विजय में पैदा हुए। केशव को छोड़कर पांचों मित्र वहां के पुंडरीकिणी नामक नगर के राजा वज्रसेन के यहाँ वज्रनाभ, बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ नाम के राजकुमारों के रूप में पैदा हुए। केशव किसी अन्य राजा के यहाँ उत्पन्न हुए, किंतु पिछले जन्म के प्रगाढ़ मित्रता के कारण वे शीघ्र ही आपस में मिले और फिर से छहों अच्छे दोस्त बन गए। उधर राजा वज्रसेन अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने दीक्षा का वरण किया और दीक्षा के कुछ सालों बाद वो घूमते घूमते पुनः अपनी ही राजधानी में आ गए। वहां पर अपने पिता को आया देख वे सभी पांचों भाई और केशव उनकी उपदेश सुनने रोज उनके पास जाया करते थे। उपदेश को सुनते सुनते उनके अंदर फिर से वैराग्य की भावना जाग गई और वो उन्होंने
मुनि दीक्षा की बात की। राजा वज्रसेन ने उन छहों को मुनि दीक्षा दी। मुनि दीक्षा ग्रहण करते ही छहों दोस्त अपनी अपनी अर्हता और रुचि के अनुसार अपने मुनि दीक्षा ग्रहण करते ही छहों मित्रों ने अपनी अपनी अर्हता और रुचि के अनुसार अपनी साधना का क्रम निश्चित किया। अपनी विशिष्ट प्रशासनिक क्षमताओं के कारण मुनि वज्रनाभ धर्म संघ के नायक बने। धर्म संघ की प्रभावना और अपनी तपस्या के द्वारा उन्होंने विपुल कर्म निर्जरा की और अपने लिए तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। अपने तीसरे भव में वे इस धरती पर ऋषभ के रूप में आए। उधर मुनि केशव ने निरतिचार संयम साधना की और अपने कर्मों की निर्जरा की और वे भगवान ऋषभ के पौत्र के रूप में पैदा हुए। आज भी अक्षय तृतीया में हम दानवीर श्रेयस को याद करते हैं। यही केशव का जीव श्रेयस के रूप में भगवान ऋषभ के यहाँ पैदा हुए। मुनि बाहु सुबाहु ने अपने आप को व्यावृत्त की साधना में नियोजित किया और उन्होंने आचार्य उपाध्याय तपस्वी स्थावित इन सभी की अगलान भाव से सेवा कर अपने अनंत कर्मों का निर्जरा की और विपुल पुण्य का उपार्जन किया। वे दोनों जीव अब भगवान ऋषभ के यहाँ उनकी दो पुत्रों के रूप में पैदा हुए और वे भरत और बाहुबली के नाम से आज जाने जाते हैं। मुनिपीठ और महापीठ ने ज्ञान की आराधना के द्वारा अपने आप को भावित करने का विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया और इसी दिशा में वे आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे न सिर्फ एक महान ज्ञानी के रूप में बल्कि ज्ञान प्रदाता के रूप में भी धर्म संघ में सम्मान पाने लगे। पर उनके व्यक्तित्व में जहां एक ओर ज्ञान की पर्वतीय ऊंचाई थी, वहीं दूसरी ओर अप्रमोद भाव की तलहटी भी थी। गणनायक जब कभी बाहु और सुबाहु मुनि की सेवा भावना की प्रशंसा करते तो उन्हें सुनकर मुनि पीठ और महापीठ को अच्छा नहीं लगता, बल्कि वे उनके प्रति ईर्ष्या से भर जाते। उन्हें गणनायक के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म संघ के नायक के प्रति पक्षपात की भी बू आने लगी। धीरे धीरे उनकी इस ईर्ष्या भावना ने स्थायित्व रूप ले लिया और अब उनमें ईर्ष्या की भावना हर वक्त रहने लगी। एक तरफ वो ध्यान की आराधना साधना करते हुए आगे बढ़ते रहे और दूसरी तरफ ईर्ष्या के कर्मों का बंधन उन्होंने ऐसा किया कि अगले जन्म में उन्हें स्त्री भाव मिला। अपने साधर्मिक मुनियों के प्रति ईर्ष्या भाव और अपने गुरु के प्रत्यनिकता के कारण ही ये दोनों जीव पीठ और महापीठ ने स्त्री नाम कर्म का बंद किया और वे भगवान ऋषभ के यहाँ ब्राह्मी और सुंदरी नाम की उनकी दो पुत्रियों के रूप में पैदा हुई। भगवान ऋषभ के दीक्षावरण के बाद नन्ही सी ब्राह्मी अपने पिता की याद में मुरझाने लगी, किंतु दादी माँ के वात्सल्य और ममता ने उसे इस तकलीफ से, इस दुख से बाहर निकाला और नन्ही ब्राह्मी फिर से चहकने लगी। किंतु यह क्या, दादी के अचानक मृत्यु के कारण ब्राह्मी के हृदय कांच के टुकड़ों की भांति टूटकर बिखर गया। वह गहरे सदमे में आ गई। अब ब्राह्मी की आंखों से
आंसुओं की लड़ियां टूटने लगी। परिचिकाओं और दासियों ने उन्हें समझाने की, ढाढ़स बंधाने की बहुत कोशिश की, किंतु उनका दुख कम होने की बजाय और बढ़ने लगा। पहले पिता का घर छोड़कर मुनि जीवन धारण कर लेना और फिर दादी की इस तरह अचानक मृत्यु से ब्राह्मी को गहरा आघात लगा। संबंधों के बीच होते हुए भी वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। उनका मन विराग होने लगा। दादी मरुदेवा की मृत्यु का आघात ब्राह्मी पर इस कदर हुआ कि उनका शारीरिक सौष्ठव और चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उन्हें रातों को नींद नहीं आने लगी। उनकी इस अवस्था से उनकी बूढ़ी धात्री सुमेधा अत्यंत चिंतित रहने लगी। वह ब्राह्मी को अनेक कहानियां सुनाने लगी। उनकी कहानियों का असर ब्राह्मी पर ऐसा हुआ कि उनके मन में जीवन की क्षण भंगुरता का अवबोध होने लगा। तभी इधर संयोग बना कि पिता मुनि ऋषभ राजधानी में आए। सुबेधा ब्राह्मी को ऋषभ के उपदेश सुनने के लिए संवसरण में लाने लगी। मुनि ऋषभ के उपदेश सुनकर ब्राह्मी में वैराग्य के भाव अंकुरित हुए और उन्होंने अपने यह भाव अपने भाई भरत के समक्ष रखे। भाई भरत चौंक उठे। अभी अभी तो पिताश्री और दादीश्री के मोह से वो बाहर निकले ही नहीं थे कि इस तरह बहन वैराग्य की भाव लेकर उनके सामने आ गई। उन्होंने दीक्षा देने से एकदम मना कर दिया, किंतु ब्राह्मी की भावना अटल थी। वे अपने कार्य नित्य कार्य करती रहीं और अपने वैराग्य के भाव को पुष्ट करने लगी। कुछ समय के अंतराल के बाद उन्होंने फिर से अपने भाई से दीक्षा की आज्ञा मांगी। भाई ने ब्राह्मी के मन को टटोला। जब देखा कि ब्राह्मी मन से मजबूत हैं, वैराग्य के लिए तैयार हैं, तो अंत में भाई भरत ने दीक्षा की आज्ञा दी और ब्राह्मी के जीवन का वो शुभ सवेरा आ गया जब उन्हें भगवान ऋषभ ने दीक्षा दी संन्यास जीवन में, जब ब्राह्मी ने प्रवेश लिया। ये प्रथम नारी थी जो संन्यास जीवन में प्रवेश ले रही थी। इस तरह ब्राह्मी भारतीय इतिहास में, आदर्श नारी के इतिहास में, महासती के रूप में प्रथम नारी वैराग्यी सन्यासी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अपनी आचार निष्ठा और कुशल नेतृत्व के कारण एक दिन तीर्थंकर ऋषभ की साध्वी संघ की वो संचालिका बनी और सतत ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्ति की। तो ये थी जैन धर्म संघ की प्रथम महासती ब्राह्मी के जीवन गाथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।